बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीका टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज का टॉपिक हद से ज़्यादा अहम है। आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में कराची की साइट से पायलट ने एक वीडियो बनाई थी। उसमें उसने कई हज़ार फीट की बुलंदी से देखा कि एक यूएफओ, जिसको हम कहते हैं अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसा उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट जिसकी कोई आइडेंटिफिकेशन ना हो, ना वो ड्रोन हो, ना जहाज़ हो, ना कुछ हो, उसने कहा था। उसने सारी दुनिया के सामने ये मनाजिर दिए। आज तक कोई तहकीक नहीं हुई, हमने उसका मुंह बंद करवा दिया, क्या था कुछ पता नहीं। लेकिन इसराइल के अंदर उसको बड़े गौर से देखा गया, अमेरिका के अंदर भी। अब हुआ यूं है कि चंद दिन पहले दो तीन बड़े अजीबोगरीब वाकयात हुए। एक चाइना का बैलून आता है जिसको अमरीका ने कहा ये जासूस है और फलाना, बाद में उसको उड़ा दिया। अब व्हाइट हाउस कह रहा है वो जासूस नहीं था। लेकिन उसके बाद यूएफओ आता है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के बाद ना तो अमेरिका ने दुनिया को कोई तफसील दी कि ये क्या था, कैसे आया, और उन्होंने उसको मारा। और अब वो कहते हैं कि हमने मारा, एक मिसाइल मिस हुआ है। लेकिन अब उन्होंने साथ में बाद में कहा कि हमने इसको मार दिया, कोई तफसील नहीं थी। इवन कि आप इमेजिन कर लें, अमरीका के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, आम बंदा कोई अच्छी टेलीस्कोप अगर ले ले तो वो ज़मीन से बैठकर अर्थ को काफ़ी अच्छे तरीके से मैग्नीफाई करके, जूम करके आप देख सकते हैं, और उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा रकम आपको अदा करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी लाखों में आपको ये बहुत आला क्वालिटी की मिल जाती। तो इनके पास वो ऐसी चीज़ें हैं कि आसमान पर उड़ती ही चीज़ों को ये गौर से देख लेते। इन्होंने जब उसको देखा, इन्होंने फ़ौरन से उसको मार दिया। अब हुआ क्या है, इसराइल के एक साइकिक और यूएफओ एक्सपर्ट, उन्होंने जो बात की है वो इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान में नज़र आने वाला, कनाडा में नज़र आने वाला, रशिया में नज़र आने वाला, चाइना में नज़र आने वाला, यूएस में नज़र आने वाला, और हालिया ये जो यूएफओ आया था उसने कहा असल में दूसरी मखलूक के लोग, जिस तरह आप जेम्स वेब को भेज रहे हैं कायनात की सारी सराउंडिंग में जाकर चेक करने में और ये वो, इसी तरह वो भी अपनी जो टेक्नोलॉजी है उनके पास, उसके थ्रू, यानी वो उसको एलियंस कहते हैं, आप उसको कोई भी नाम दे सके, वो कहते हैं जी वो दूसरी सिविलाइजेशन से, उन्होंने कहा कि वो अपने यूएफओस भेज रहे हैं और यहाँ पर वो अर्थ को विजिट कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे लड़ने के लिए नहीं आए, आपने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है उनका ये यूएफओ एयरक्राफ्ट, या आप उसको उड़न तश्तरी या कुछ भी आप बोल सकते हैं, इसको तबाह कर गया, आपने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो समझने वाली बात है, उसने कहा है नई बात नहीं है, उसने कहा कि अर्थ पर वो हजारों साल से विजिट करते आ रहे हैं और माजी में भी कई दफा देखा गया है, वो आकर हमें मैसेज दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर खास तौर पर बहुत सारे जो पायलट्स थे, बिल्कुल जो पाकिस्तान वाली सूरत आ रही, उन्होंने कहा जो अमेरिका के पायलट्स थे उन्होंने कई फुटेजेस बनाई है और उन्होंने कैप्चर किया अपने मोबाइल से वीडियोस यूएफओ की साइटिंग की, और उन्होंने बाद में पेंटागन यानी अमेरिकी फौज को, इस्टेब्लिशमेंट को भेजी है। और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उन पायलट्स को मना कर दिया गया कि आपने किसी को नहीं बताना। उन्होंने कहा ये जो उनके क्राफ्ट हैं, ये जिस स्पीड से फ्लाई कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी उसको पहुँच ही नहीं सकती, आप उनके साथ एक्स्ट्रा लेवल पर जाकर कोई पंगेबाजी नहीं कर सकते, कि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है। अब वो अर्थ पर आ रहे हैं, लेकिन वो आ इसलिए रहे हैं, वो हमें कोई हार्म करने के लिए नहीं आए, या वो अर्थ को जीतने के लिए नहीं आए, वो विजिट करने के लिए आते हैं, और उनका हमें नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं। अगर नुकसान पहुँचाना होता तो वो काफ़ी साल पहले कर लेते, अब वो क्यों नहीं करे। लेकिन उन्होंने कहा कि आप उनके जहाज़ को या क्राफ्ट को तबाह करके आप उनसे लड़ाई मोल ले रहे हैं, का इस तरह आप न्यूक्लियर वार को दावत दे रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी से आए और आकर हमें हार्म करें, डिस्ट्रॉय कर दें पूरे का पूरा और बेड़ा गर्क कर दें। अब इस सूरत हाल के अंदर देखिए, इसराइल की एयरफोर्स ऑलरेडी कह चुकी है कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं और उन्होंने उनके साथ रबता किया है, डिटेक्ट किया, उनके रेडार ने डिटेक्ट किया है, तो उनके चीफ ऑलरेडी इस पर बयान दे चुके हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, उनसे पूछा गया इस एक्सपर्ट से कि आप ये बताएं कि ये सिर्फ अमेरिका में है, कनाडा या दीगर ममालिक में, इसराइल में कभी नहीं है। उसने कहा कि आप जाकर उनकी इसराइल की एयरफोर्स से पूछ लें उन्होंने कितनी दफ़ा रेडार पर डिटेक्ट किया है। उन्होंने कहा यरूशलम के ऊपर भी ये आए हैं, आकर उन्होंने विजिट किया, मस्जिद अक्सा के ऊपर वाली साइड पर भी आए हैं, सारी चीज़ें आकर उन्होंने विजिट किया है, देख कर गए, डिटेक्ट किया है, और इसराइल के रेडार को समझ नहीं आई।
और वो अर्थ को एक मैसेज देना चाह रहे हैं, और वो मैसेज इस फॉर्म में है कि वो हो सकता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके अपनी जो, यानी हम ह्यूमन है तो वो इंसानों की तरह कोई रोबोट अपने भेज रहे हैं, कुछ चीजें कर रहे हैं, आपसे रابطہ करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उनको तबाह कर रहे हैं। जब आप उनको तबाह करें तो आप मिस्टेक करें, तो जाहिर सी बात है आप उनको तबाह करें तो आपने उनके साथ जंग छेड़नी है। तो ये काम आप ना करें। अगर कोई आ रहा है वो विजिट करने के लिए आ रहा है, और उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो आ रही हैं आपको मैसेज दे रही हैं। अब आप देखिए ये बात, देखिए अकल तस्लीम करती ही नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता इस कायनात में। जमीन का साइज बिल्कुल इसी तरह है कि आप पानी में उंगली डालकर निकाले जो कतरा है वो आपकी जमीन है। इस कायनात में स्टार्स हैं, अर्थ तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो वजूद सिर्फ अर्थ का हो, हमने सिर्फ यहां पर रहना हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। कुरान ने जब कह दिया कि सात जमीन है, सात आसमान है, अब कई जगह पर इवन के तफासीर में तशरीह की गई है कि इंसानों के अलावा हो सकता है इंसान ही किसी दुनिया के ऊपर बसते हो, वो और फॉर्म के अंदर हो। इवन के पैरेलल यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है कि इंसान मरने के बाद, देखिए किसी ने नहीं देखा कहां पर गया। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम अपनी लाइफ जो है वो यहां पर जी रहे हैं, उसके बाद कहीं और भी है, अल्लाह पैदा कर सकता है इंसान को, उसके लिए दोबारा पैदा करना कौन सा मुश्किल है। या कुछ कह रहे हैं कि कुछ और इंसान जो है वो दूसरे प्लैनेट पर रहते हैं। बाप देखिए अर्थ लाइक प्लैनेट तो इतने ज्यादा दरियाफ्त होना शुरू हो गए हैं और कई जगहों पर पता चल रहा है। वो कह रहे हैं कि अब जिस तरह आपने जेम्स वेब को भेजा हुआ है वो भी यहां पर भेज रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि वो आप किन चीजों का लिहाज कर रहे हैं, वो भी उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में अगर इंसान इस अर्थ पर ही रहना होता तो बाकी चीजें बनाने की जरूरत क्या थी, या बाकी ऐसी चीजें जो अर्थ जैसी कई प्लैनेट्स दरियाफ्त होना शुरू हो गए वो किस वजह से था। वो आपको पैगाम दे रहे हैं या आप उनसे सुन रहे हैं। अब आप ये देखें कि नासा ने जो मुसलमानों से, ईसाइयों से और यहूदियों से डाटा कलेक्ट किया है, अब उसकी बेस के ऊपर उनके एक्सपर्ट्स रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। ट्रंप ने तो यहां तक बात कही थी कि मुझे पता है कि हमारे किस लेवल के रबते हैं और क्या चीजें हैं, लेकिन मैं अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि अभी इसराइल के जो एयर चीफ है वो तो इसराइल में, तो ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि अभी हमारी जो ब्रेन की सलाहियत है वो उस लेवल पर नहीं कि हम ये सोच सके कि हम उनसे रबता या बातचीत का। देखिए उसने इंडिकेट तो कर दिया है, लेकिन एक बात तो तय है कि कुरान मजीद ने तो क्लियरली फरमा दिया है कि मखलूकात है। अब आप ये देखें कि इंसान इस दुनिया के अंदर रहता है, तो आप ये देखें कि इस बात पर कभी किसी ने गौर नहीं किया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह पाक ने हुक्म दिया था कि आप चले जाएं, इन पर अजाब आने वाला है, 40 रातें जमीन और आसमान से पानी के चश्मे फूटे थे। अब आप बताएं कि इस जमीन पर, यानी आप देख लें कि 1,05,00,000 के करीब मखलूकात हैं, परिंदे जानवर, तो कैसे आप सबने इतनी बड़ी कश्ती बना ली कि जिसमें हाथी का जोड़ा रखा, चीते का जोड़ा रखा, और फ्लड इंटरनेशनल सतह का था, ग्लोबली आया हुआ था, यानी इतना बड़ा था कि कैसे इतनी बड़ी कश्ती थी, वो कोई ऐसा तो नहीं था। अब कुछ कह रहे हैं एम्ब्रियो रखा था, कुछ कह रहे हैं कि उनके डीएनए रखे, तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी इस लेवल के ऊपर। तो तुर्किश जो मुस्लिम साइंटिस्ट है वो काफी तहकीक कर चुके, तो हम इन चीजों को सोचते नहीं है कि क्या था, वो कैसे आया था। इतनी बड़ी कश्ती थी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अपने बेटे से बातचीत हुई थी तो लहरें आसमान तक जा रही थी। तो ये तमाम चीजें सोचने वाली हैं, हमने कभी इस पर गौर ही नहीं किया। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।